आजकल इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है जब तक आप बलि नहीं दोगे तो आपकी पूजा मां काली तक स्वीकार नहीं होगी। जब तक आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करोगे और उसमें घुल मिल नहीं जाओगे तो आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। जब तक आप मां काली के सौ साधना नहीं करोगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। मतलब कि इंटरनेट पे यूट्यूब के अंदर कुछ ऐसे अपने आप को हिंदू धर्म के राजा बताते हैं, अपने आप को महंत बताते हैं, अपने आप को एक भगत बताते हैं मां काली के, मां तारा देवी के, जो कहते हैं कि जब तक हम बलि नहीं देंगे जब तक पूजा स्वीकार ही नहीं होगी। सात्विक पूजा क्या है? कुछ भी नहीं है, वो सात्विक पूजा का मजाक बनाने है। और अपने वीडियो में कहते हैं भाई इन भक्तों को हक किसने दिया कि वो हमारी भक्ति पे सवाल उठाए। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं जवाब दूंगा भाई, आज एक एक क्वेश्चनों के आपके इस वीडियो के अंदर जवाब दूंगा, जो कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा, ब्रॉडकास्ट देखा एक वीडियो पे, और मैं हर बार आपके ऊपर वीडियो लेके आता हूं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं। आप कहते हो कि हमारे ऊपर उंगली क्यों उठाई जा रही है, किसने हक दिया माता काली की पूजा जब हम करते हैं आप हमारी पूजा पे सवाल उठाओ। मैं आपकी पूजा पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपकी पूजा पे सवाल नहीं उठा रहा, पर आपको किसने हक दिया कि आप सात्विक तरीके से चलने वाले उन लाखों भक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ करो? आपको किसने हक दिया? आप कहते हो कि भाई बलि हर कोई नहीं दे सकता। पहली बात, अगर कि जिसने उसके ब्रॉडकास्ट को देखा है तो उसके क्वेश्चनों के सवाल, हर एक क्वेश्चन के सवाल इसमें मिलेंगे। आपको किसने हक दिया बलि देने का? आपके दरबार में कोई भी आता है आप बकरे की बलि दिलाते हो? हर कोई बलि नहीं दे सकता, आपने खुद अपनी वीडियो में कहा है हर कोई बलि नहीं दे सकता। जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो उनको वैसा बनने के लिए, राक्षस प्रणाली का बनने के लिए उनको बलि दी जाती थी, ताकि अगले जो भी उनसे लड़ने आ रहे उनका वो संहार कर सके। नॉर्मल लोगों को क्या संहार करना भाई? अब मेरी बात का जवाब देना। नॉर्मल लोग जो अपने घर में नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, कोई भी आता है आप उनसे बलि दिला देते हो। जिसके घर में आज तक बलि नहीं दी गई उस घर में आप बलि दिला देते हो, उस घर को किससे लड़ना भाई? कहूंगे कि मां काली को तैयार कर रहे हैं हम उस घर में लड़ने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। क्या मां काली नॉर्मल संहार नहीं कर सकती? मां काली तो स्वयं एक शक्ति है भाई, उसको दुश्मनों से, उस भूत प्रेतों से रक्षा करने के लिए क्या हमें मांस मुर्गा मिट्टी देनी पड़ेगी क्या भाई? मैं आज क्वेश्चन के जवाब दूंगा, एक क्वेश्चन के जवाब। आपने कल जो वीडियो में ब्रॉडकास्ट में जवाब दिए ना, सारे वही जवाब दिए जो मैंने आपसे पुट अप कर रखे थे, वही जवाब। आप कहते हो कि भाई मां काली के साथ शेर चलता था, मां काली शेर पे सवार होती थी, क्या वो मांस मुर्गा मीट मच्छी नहीं खाता था? ये तो लोगों ने मजाक बना दिया भाई, सात्विक पूजा करो सात्विक रहो। तो मैं आपका इसका भी जवाब देता हूं। मां काली के साथ शेर रहता था, शिवजी महाराज जी के साथ नंदी रहता था कैलाश पर्वत पे, तो वो दोनों आपस में मिलके कैसे रहते थे? उस शेर ने उस नंदी को क्यों नहीं खाया भाई? नंदी को क्यों नहीं खाया? हागल मां काली, मां दुर्गा, मां अंबे के साथ शेर चलता था ना, तो वो खाली राक्षसों का संहार करता था, जो मां बाबा अपनी शक्तियां उनको देती थी उसका वो सेवन करता था, ना कि किसी भी एक ऐसे प्राणी का या ऐसे जानवर का जो निर्दोष है। आज के समय की तो मैं बात नहीं करूंगा भाई, आज तो कलयुग है, कलयुग में आदमी आदमी का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, मां बाप के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, तो कलयुग तो आई गया ना भाई। आज कलयुग की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पहले की बात करूंगा जहां पे आप उदाहरण देते आए हो। आप कहते हो कि मां तारा देवी शमशान की साधना करते हैं, भाई शमशान में रहती है सारी चीज का वो रहता है, कौन है मां तारा? मां तारा खुद मां पार्वती से निकली हुई है ना, 10 महाविद्याओं में से एक है ना भाई, है तो रूप उन्हीं का। आप कहो, आपने एक क्वेश्चन और उठाया था भाई इसके अंदर, मैं सारे क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, कि मां काली का बाल रूप लेके लोग बाग रोड पे घूमते भाई, मेरी मां मेरी मां, और मां ने तो 16 साल की उम्र में अपना रूप धारण किया था, तो मां बाल रूप देखा ही नहीं मां ने। आपका सोच जो थिंकिंग है जो, इसको मैं सलाम करता हूं भाई, क्योंकि आप सलाम ही करवाओगे भाई, राम राम आप करवाना बस की नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों में से ही हो, इसलिए आपकी भाषा में ही आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, मां काली की बाल रूप की मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हो, 101% रख सकते हो। उसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब मां पार्वती अपने बाल रूप में थी, आज आपके बच्चे होंगे भाई, कई घर में बहन बेटियां भी है भाई जी, वो जैसे जैसे बड़ी होती है तो वो वाइफ भी बनती है किसी की, दुल्हन भी बनती है, मां भी बनती है, कोई डॉक्टर बनती है, कोई नर्स बनती है, कोई पायलट बनती है, कोई किसी तरीके का आप अपना फील्ड चुन लेती है भाई जी, चुन लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पायलट है, वो 10 साल की या 15 साल की या 20 साल की उम्र में जाके वो पायलट बन गई तो उसका बाल रूप खत्म हो जाएगा।
तो मां काली का बाल रूप था वो पार्वती रूप में था भाई। आप मां काली की बाल रूप की फोटो रख सकते हो। मां जो मां पार्वती थी ना वही मां काली बनी थी भाई 16 साल की उम्र में। तो इसका पीछे ये नहीं कि भाई आज मैं बैठा हूं मेरी बात सुनना, आज मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, या फिर मैं आज भाई बहुत बड़ा एक डॉक्टर बन जाऊं, भगत बन जाऊं, सारी चीज बन जाऊं। मैं भक्ति लाइन में कब से आया? 4 साल पहले से, 5 साल पहले से, उससे पहले भी तो मेरी एक लाइफ थी ना। इसका मतलब ये तो नहीं मेरे को आज से भगत बोला जाएगा या जब मैं भगत बना जब से मुझे भगत बोला जाएगा, उससे पहले भी तो मेरी एक अलग पहचान थी। तो उसी तरीके से मां काली की भी एक अलग पहचान थी मां पार्वती के रूप में, जिसे हम बाल रूप कह सकते हैं भाई जी। आप बाल रूप की तस्वीर 101% रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मां काली ने जन्म नहीं लिया, मां काली ने जन्म लिया था। और सारी चीजों का आप अपने अगर समझने की बात है, अगर आप दूसरे के समझ से भक्ति करोगे ना तो आप भक्ति नहीं कर सकते भाई। सबसे पहली बात मेरी ये जान लीजिए, भक्ति ना तो किसी किताब में मिलेगी ना किसी भगत के कहने से आपको मिलेगी। ये भक्ति भाव से जागेगी, आपके अंदर के आत्मविश्वास से जागेगी, उन शक्तियों पर विश्वास जिनको आप मानते हो अपना समझते हो उनके विश्वास से भक्ति जागेगी। वरना कोई लोग आपको कह दे आके कि भाई मां काली तो है ही नहीं, मां काली की तस्वीर आप घर में नहीं रख सकते, आधे से ज्यादा लोग घर में मां काली की तस्वीर रखने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों ने उनका माइंड वॉश इस तरीके से कर रखा है। मां काली एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं खड़ी रहती है, जो जिस हिसाब से उनको पूज के चलता उसी हिसाब से वो आगे आके लड़ती है भाई जी, अपने बच्चों की रक्षा करती है। वो कह रहा था कि मां काली को हर कोई मां नहीं कह सकता वरना वो श्रृंगार कर देगी। क्यों भाई? ये तो जगत की मां है, जगत की मां, हर एक इंसान को बनाने वाली ये शक्ति है। अगर इनको कोई मां कहता है, मम्मी कहता है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप लोग कहते हो कि हम अपनी मां काली को बड़ी मां कहते हैं, मां तारा देवी को बड़ी मां कहते हैं। वो आपने तो शुरू नहीं किया था भाई जी। मां तारा देवी में जो पुजारी थे, महंत थे, तो उन्होंने कहना स्टार्ट किया था भाई जी। ये तो जो अपने आप को पागल, लोग बाग उनको पागल कहते थे, वो अपने आप पहले खाना खाते थे फिर मां को भोग लगाते थे। तो भाई उन्होंने कहना स्टार्ट किया था मेरी बड़ी मां को खाना खिला गया हूं। इसमें आप लोगों को क्या हो गया? और कोई लोग आज के समय अपने भाव से मां काली को मां कहके पुकार रहा तो उसमें आपको दिक्कत हो गई। सात्विक पूजा कह रहे हैं भाई जी, जब तक आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करोगे और जब लड़की पीरियड में होती है तो उससे ज्यादा आनंद लड़की को कभी मिलता ही नहीं है, औरत को कभी मिलता ही नहीं है, और उससे ज्यादा पवित्र औरत होती नहीं है कभी। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, मां कामाख्या देवी मंदिर में जब भी मां का जब ये समय महीने का मंथ आता है तो दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं? क्यों किसी के दर्शन नहीं किए जा सकते भाई जी? वहां पे भगवान को भगवान के तरीके से मानो, अपने भाव को जगाओ। अगर कल को कोई आपको ये कह देना कि आपको मां काली जब मिलेगी, जब आप यहां पे 100 उठक बैठक मारोगे या यहां पे आप कपड़े उतार के शमशान में जाओगे जब आपको मिलेगी, आप उसी की तरफ चलने लग जाओगे भाई। कुछ लोग दिखावा करके अपने आप को आपके सामने इतना बड़ा दिखा रहे कि पता नहीं हमें कितना ज्ञान है। मां को समझ नहीं सकता कोई भी, कोई भी आज तक मां को समझ ही नहीं पाया भाई। वरना अगर मां को समझ लेते ना, एक भगत था भाई जी, जो मां को कलकत्ता के अंदर बहुत प्रसिद्ध था भाई। वो कहते मां मुझे दर्शन दे वरना मैं अपनी नार काट दूंगी। जैसे नार काटने लगा मां ने आके हाथ पकड़ लिया भाई। ये तो मां थी ना ममता, बेटा तू नुकसान, मैं तेरे साथ हूं। कोई वो कहता कि जब तक आप मां काली को बलि नहीं दोगे जब तक आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। पर आजकल आप सब जागरण में गए होंगे, कहीं ना कहीं आपने माता काली का जागरण देखा होगा, मां दुर्गा का जागरण देखा होगा, मां अंबे का जागरण देखा होगा, अपने कुल देवी का जागरण देखा होगा। उसके अंदर लास्ट में कहानी सुनाई जाती है मां तारा देवी, मां तारा रानी की कथा सुनाई जाती है। अगर मां तारा रानी इतनी ही वो होती भाई, आपका मुर्गा खाती, मांस मिट्टी खाती, सारी चीज खाती, तो उसमें लास्ट में आके मां ने यह भी बता रखा कि जो मुझे एक नारियल देगा मैं उससे भी खुश, उसके सारे कार्य करूंगी, उसके सारे काम बनाऊंगी, कभी भी उसको कोई परेशान नहीं करूंगी। पर नहीं, लोगों को तो जाना कहा तामसिक की तरफ, क्योंकि ये जीभ का स्वाद है ना, जो लड़पड़ाती है ना हमारी जीभ कि मुझे तो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। इस चक्कर में आप अपने घर को बर्बाद कर रहे हो। गुरु गोरखनाथ जी और मां काली का जब युद्ध हुआ था तो मां काली ने खुद गुरु गोरखनाथ जी को, जिनको गुरु स्वयं मानती है, मां काली गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानती है, और उनको वचन दिया था कि मुझे जो भी जैसे भी भाव में पूजेगा मैं उसी भाव में चलूंगी, उसी भाव में उनके घर के सारे संकटों का नाश करूंगी, उनके काम धंधे खोलूंगी, मैं किसी से भी कभी भी भोग का अपनी तरफ से ये नहीं बोलूंगी मुझे ये भोग चाहिए। पर कुछ ग्रंथ और कुछ ये जो तामसिक भोग वाले थे ना, इन्होंने बोला कि मां काली तो गुरु गोरखनाथ जी का युद्ध हुआ ही नहीं कभी, एक योगिनी थी मां काली की जिससे गुरु गोरखनाथ जी का युद्ध हुआ था, ये कहके उस हमारे इतिहास को बदल दिया।
क्यों? क्योंकि पता था अगर मां काली को सात्विक में लिया है तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। जो ये धर्म के ठेकेदार आज के टाइम में बने बैठे ना, हम कहते हैं कि भाई कलयुग आएगा, धर्म का जो है वो हानि होने लग जाएगी, कोई भगवान को नहीं मानेगा। कलयुग की पहचान यही तो थी, और आज के टाइम हो कैसे रहा है? आज के समय कौन मां काली को मानता है? सब भाई उनके पैरों में पड़े रहते हैं, जो कि भगत कहते हैं अपने आप को, उनके पैरों में जाकर पड़ जाते हैं, मुझे मां काली से मिलवा दे, मुझे एक शक्ति दे दो, वो आपको भूत नहीं उठा के देता, आप पूरी उम्र उसको लेके घूमते रहते हो। कभी भी आपने मां काली को प्राप्त किया? कभी भी, जितने भी यहां बैठे हुए, अपने भाव से अपने मन से कभी मां काली को बनाया नहीं? आज कहते हैं भाई जी, वो पता उसकी वीडियो में क्या कहा गया है? उसने अपनी वीडियो में कहा है कि जब लेडीज रिलैक्स है अपने महीने के पीरियड में चली हुई है, उस समय अगर हम संभोग करते हैं, सारी चीज करते हैं, तो हमारे शरीर को आनंद में फील होता है, आनंद मिलता है, इतना सुकून मिलता है, सारी चीज मिलती है। और इतने तक कहता है कि आप संभोग करते समय मां काली को याद किया करो। अरे मेरे भाई, आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो मेरी माताएं बहने? आपको एक चीज बताता हूं, मैं कहानी सुनाता हूं। आपने भैरव बाबा का नाम सुना है? महाकाल भैरव बाबा, जिसको हम शमशान वासिनी भी कहते हैं भाई। तो हुआ क्या कि शिवजी महाराज को जब मां काली ने अपना दूध पिलाया था ना, दूध पिलाने के बाद शिवजी महाराज को जब शिव दूध पिला दिया था मां काली ने, तो मां काली ने एक चीज मांगी थी शिवजी महाराज जी से। वो चीज पता क्या थी? कि अपने रूप का जो बाल रूप है ना, इसको अलग कर दो अपने शरीर से, ताकि मेरा इससे संबंध जो हो मां बेटे का रह सके, क्योंकि मैंने इसको अपना दूध पिलाया है। जब शिवजी महाराज जी ने अपना बाल रूप अपने आप से अलग किया था, जो बटुक भैरव कहलाया था भाई, आपको पता है शिवजी महाराज को दूध पिलाया गया था मां काली के द्वारा। जब मां काली क्रोधित थी तो एक बच्चा बन के शिवजी महाराज बाल रूप में आके रोने लगे थे मां को शांत करने के लिए, गुस्से के लिए। गुस्से में बहुत ज्यादा थी मां, राक्षसों का वध करके आई थी, तो मां काली को शांत कैसे करे, तो बच्चे के रूप में आई थी शिवजी महाराज। जब मां ने देखा एक बच्चा रो रहा, तो मां ने उठाया उसको, अपने को अपना दूध पिला दिया उसको चुप कराने के लिए। ये है मेरी मां काली भाई, ये मेरी मां काली, देना जानती है, लेती नहीं है कभी किसी से। पर आज के समय भक्तों ने कह दिया मां काली तो आपको जब मिलेगी जब आप बलि दे दोगे। अरे मां काली जब एक बच्चे को रोता देख, अपने युद्ध को छोड़कर उसको दूध पिलाने लग जाती है, और जब मां काली को पता लगता है कि खुद शिवजी महाराज थे, शिवजी महाराज जी का रूप था ये, तो मां काली खुद शिवजी से प्रार्थना करती है कि इस रूप को अपने शरीर से अलग कर दो। जब जाके बटुक भैरव कहलाए थे, काली पुत्र कहलाए थे भाई जी, भैरवनाथ जी। तो आज आप ये कैसे कह सकते हो कि हम जब संभोग करें, सारी चीज करें, तो मां को याद करें? मां बेटे का रिश्ता इतना पवित्र था, वो सारी चीज था, और आप कहते हो कि संभोग में भी आप मां को ढूंढ सकते हो? तो आपकी सोच, आपकी जो मेंटेलिटी है ना, वो यहां पे दर्शाती है भाई जी कि आप किस तरह की भक्ति सिखा रहे हो। यही तो कलयुग है, मां बेटे का रिश्ता कुछ रहेगा नहीं। आज भाई सौतेली मां घर में हो तो बेटे के साथ चक्कर चल जाता है, बहन भाई का चक्कर चल जाता है, बहन भाइयों के कोर्ट में केस चल रहे हैं, मां बाप अपनी पगड़ी लेके बेटे के चरणों में बैठा हुआ है। यही तो कलयुग है, क्यों? इन भक्तों के चक्कर में। आज किसी भगत ने कह दिया ना कि भाई तेरी मां ने तेरे ऊपर काला जादू कर दिया, तेरे उसने वो कर दिया, आप भक्तों की सच मानते हो, अपने घर की सच्चाई नहीं देखना चाहते कि मेरे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, मेरे अंदर भी क्या हुआ, आप अपनी कमी को नहीं ढूंढते। बस भगत ने कह दिया भक्ति इस तरीके से होगी, जो लोग मीठे पे भक्ति करते थे, हमारे दादा परदादा ये कहते कहते चले गए कि भाई जी ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा कि माँ की माँ जो अपने बेटे के पैर दबाओगी भाई, और वो काम हो गया भाई। आजकल बहू खाट में पड़ी है, अरे सासू उनके पैर दबा रही है। ये समय आ चुका है, ये समय आ गया, लाने वाले भी कोई और नहीं, हम और आप लोग हैं। इन भक्तों के चक्कर में, इन भक्तों ने लाखों घरों को बर्बाद कर दिया, इन लाखों लोगों की सोच को बर्बाद कर दिया। आप सोचते हो कि नेट पे आके दो बातें बोलने से कोई भी आदमी इतना बड़ा हो जाएगा, इतना? हमारी भगवत गीता में क्यों नहीं कहा गया भाई फिर कि बलि देना ही सबसे बड़ा है, भगवान आपको जब भी मिलेंगे जब आप बलि दोगे। मां काली के हर एक आपको पुराण वो दिखाए गए, मां काली का इतिहास आपको वो दिखाते हैं वो लोग, जिसमें बलि ही सारी चीजों को ऊपर बताई गई है। वो चीज नहीं दिखाते भाई जिसमें मां कहती है कि मैं तो शांत हो गया। अच्छा अगर मां मुर्गे पे खुश होती, सारी चीजों पे खुश होता, तो भाई जी ये जो मां काली को पतासे लोग दे देते, ये कैसे देते भाई, ये क्यों काम हो जाते? मेरे को तो एक बात ये समझ नहीं आती। वो कहता भाई जब आप नवरात्रे रखते हो अष्टमी और नवमी के, तो आपके नवरात्रे जब ही पूर्ण होंगे जब आप बलि दे दोगे, अगर आप बलि नहीं देते तो आपके नवरात्रे नहीं लगेंगे। तो भाई हम हिंदू है, हम कोई राक्षस नहीं है, राक्षसों लोगों के लिए बलि बनाई गई थी, हिंदू धर्म के लिए नहीं। आप कहते हो मैं बकरे को काट कर उसको मुक्ति दे रहा हूं,
उसको उस जन्म से आजाद कर रहा हूं, तो एक काम क्या करो, बलि देने इतनी प्रथा, तो एक बार अपना हाथ काट दो आधा, दूसरी बार दूसरा पूरा हाथ काट दो, तीसरा हाथ काट दो, अपनी उंगली काट के बलि की दे दो ना, क्यों जानवरों की कर रहे हैं। हम आपको सच्चा भगत जब मानेंगे जब आप अपनी उंगली काट के देने लग जाओगे बलि के लिए, अपनी उंगलियां देने स्टार्ट कर दो, क्यों निर्जीव जानवरों की बलि देते हो। नारियल की भी बलि है, नींबू की बलि है, नरमुंड की भी बलि है भाई जी। ये जो नरमुंड होते हैं नींबू के, उसमें तो हम देते हैं। कल को तो आप भाई अरे बकरे का सींग करके मां को ऊपर आ दोगे, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आप धोने में बकरे का सिर दे देते। तो हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं भाई सात्विक पूजा तो कुछ भी नहीं होती तामसिक के आगे, तो तामसिक पूजा का पेड़ एकदम हरा होके कटने वालों में से है भाई, पर सात्विक पूजा की नींव अगर रख दी ना आज, तो वो सालों साल चलेगी, सालों साल चलेगी। आज आप मां की पूजा करते हो, मैं आपको आपके मां से जुड़ने से मैं तो ना बीच में रोक रहा, आप कहते हो जब तक आप बलि नहीं दोगे आपको मां काली के दर्शन होंगे ही नहीं, इसका प्रमाण मैं बैठा हूं भाई जी। मैं, मेरे को जो मां काली के दर्शन हुए है ना साक्षात अपनी आंखों के सामने, और जब भी याद करता हूं मां काली मेरे सामने दिखती है मुझे, हां कि मां काली है, बातें करती है। आज तक जो कर्म बता दिया भाई पार गया, कभी किसी का वो नहीं किया, हमारे गुरु के आशीर्वाद से, हमारी सारी चीजों के आशीर्वाद से भाई, हमें तो उसका अभ्यास तक वो नहीं हुआ भाई, हमने तो कभी आज तक बलि नहीं दी, खाली एक प्यार है ना मां से कि मां है मेरी बैठी हुई है सब देख लेगी। पर उस भाव को आप जोड़ने से बजाय ना, पता क्या आपको पता है, आप लोगों को पता है इसका भाव जुड़ गया ना मां काली से, तो मेरी दुकानें बंद हो जाएगी, इससे अच्छा कि इससे मुर्गा दवा दो मां काली का, इसको पाप लगा दो। और आप कहते हो हर किसी को बलि देने का भी अधिकार नहीं है अपने वीडियो में एक तरफ, तो हर किसी पे आप मुर्गा क्यों चढ़वाते हो भाई, बकरा क्यों चढ़वाते हो। आप लोग पता है समाज में बैठे इस धर्म के ठेकेदार जो मां काली के पुत्र कहते हो अपने आप को, कि मैं तो मां काली का एक छोटा सा सेवक हूं पुत्र हूं, और उस मां काली को ही बदनाम कर रहे हो, कहते हैं मां काली तो जब मिलेगी जब आप उनको बलि दे दोगे। अरे कौन सी मां है, कौन सी मां है। आज आप अपने घर में बैठे हो, आपकी स्वयं की खुद की मां होगी, आपकी स्वयं की खुद की मां होगी, उस मां से ये पूछ लेना, मां मैं तुमको अपना हाथ काट के दूंगा क्या तेरे को अच्छा लगेगा, अपनी खुद की मां से पूछ के देख लेना, एक उंगली काट दोगे तो दर्द मां को ही होगा, उस मां को ही होगा। अब तो जगत जननी है भाई जी, उसी के बच्चों की हत्या करके उसी के चरणों में छोड़ रहे हो, क्या वो खुश होगी। बलि देना रावण की तरह दो, अपना शीश काट वो कर दो, शीश काट के दे दो, अपनी उंगली काट के दे दो, अपना हाथ काट के दे दो, जब मानना भाई हम भगत है, पर नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर हम यही काट के दे देंगे हम भक्ति कैसे करेंगे। पर समाज में बैठ के ठेकेदारी करना बंद करो, इस समाज को एक अच्छी भक्ति दो, एक अच्छा रास्ता दो। अगर नहीं कर सकते तो अपने दरबार में जो आप बैठ के दारू पीते हो, मेरे पास आपके दरबार तक की वीडियो आ रखी है, मेरे पास उस लड़के की भी वीडियो आ रखी है जिसके साथ आप बैठ के हाथे फेर रहे हो, तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे वीडियो और सारी चीज है, पर मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं करता, ना ही मुझे मतलब, मेरी खाली आपसे लड़ाई इसी चीज के लिए है कि भाई अगर आप किसी की भक्ति का मजाक ना उड़ाओ तो आपके लिए अच्छा ही होगा। हम भी गुरु गोरखनाथ जी के भगत है भाई जी, महाकाल के भगत है, महाकाली के भगत है भाई, हम भी पूजा करते पाठ करते हैं, हम भी आदेश मंत्र का जाप करते भाई जी, आदेश करके चलते हैं, बिना आदेश के हम आगे नहीं बढ़ते। पर समझाए कैसे आपको, आप पता क्या है अपने अंदर की भड़ास जो है वो दुनिया से निकाल रहे हो। दुनिया से आप कहते हो कि मैंने 5 साल की उम्र में अपनी टीचर की हत्या कर दी थी, मैंने खाली उनको यही बोल दिया था, शराब दे दिया था, ताकि मेरे टीचर ने किया क्या था कि आपके फोटो फाड़ दिया था, इसी चक्कर में टीचर का पूरा घर खानदान खत्म हो गया। आप एक डर फैला रहे हो कि मुझसे कोई पंगा लेगा तो होगा, भाई हम बैठे हैं, जिनको ज्ञान नहीं ना अज्ञान है, जो वो आपके लिए नहीं बोल देंगे भाई, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, मुझे ग्रंथों का ज्ञान नहीं, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है। हम नॉर्मल भक्ति करते हैं, नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पे हम चलते हैं, पर आपकी तरह नहीं है कि समाज को इस गंदे भक्ति का गंदे उसमें आपको डाले। आप कर क्या रहे हो, अगर आप मर्द हो तो इस सूट क्यों पहनते हो, सबसे बड़ी बात सूट क्यों पहनते हो। अब आपका इसके पीछे जवाब होगा कि मैं तो मां काली के जैसे बन के रहना चाहता हूं। अगर मां काली को आपको लेडीज सूट ही पहनाने तो आपको लुगाई भी बना सकती थी भाई, लुगाई भी बना सकती थी, पर मैं किसी के उसमें मजाक में अंदर करेक्टर तक नहीं जाना चाहता। पर मेरी बात यही है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो, ब्रॉडकास्ट पे जा रहे हो, तो एक अच्छा मैसेज दो। ये मत कहो कि सात्विक पूजा में कुछ नहीं रखा, आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हो करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, समाज है,
अकेले 10,000-20,000 समाज में लोग नहीं है, करोड़ों में है भाई, करोड़ों में है। आप दो बातें बोल के अपने तरफ अट्रैक्टिव करके और किसी को भी वो नहीं कर सकते, वरना मेरे पास आपके दरबार से आए हुए 4 केस है, चारों की सच्चाई करते हो तो मैं वीडियो बना के डालूंगा नेट पे उन चारों की, कि क्या होता आपके दरबार में क्या नहीं। सर मेरी आपसे यही लड़ाई है, जो आप हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनवा रहे हो, हिंदू धर्म को बदनाम करने पे लगे हुए हो। कोई ग्रंथ नहीं कहता आपके, ये ग्रंथ कब आए भाई, कब आए है ये ग्रंथ, कब आया भाई ये ग्रंथ, ये अभी लिखे होंगे ना, सदियों पुराने तो है नहीं, शिवजी महाराज ने तो अपना साइन नहीं कर रखा। आप माँ कामाख्या चले जाओ, माँ तारा देवी चले, कहीं भी चले जाओ, क्या शक्ति पीठों पर जब माँ सती हुई थी, क्या माँ का जो कृष्ण भगवान ने चक्कर से अपना क्या भाग किए थे, क्या माँ ने क्या भाग करते हुए ये कहा था कि मैं उसी से प्रसन्न होंगी जो मुझ पे बलि देगा, क्या माँ ने ये जाते टाइम टुकड़े हुए जब माँ ने ये क्या क्या कहा था, नहीं, ये हमारे ग्रंथों में लिख दिया बस भाई। माँ कामाख्या, माँ कामाख्या पे क्या योनि की पूजा होती है भाई जी, तो इनको खून, अगर इनका चलता तो इन पे खून चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, सारी चीज चढ़ाओ, ये हमारी सोच है भाई, सोच ने हमारी ने सारी चीज कर दी। कोई माँ किसी भी तरह की बलि नहीं मांगती भाई जी, शमशान वासिनी माँ काली शमशान वासिनी को कितने समझ लिया भाई, किसने समझ लिया, शमशान के अंदर भूत प्रेत दानव मानव यानव बेताल राक्षस, यहां तक कि भाई जी शरीर की आत्मा प्रेत कहते हैं जिसको हम, ये भी होते हैं। अब जिसको आप कहते हो कि भाई मैं मां काली के सामने बकरा चढ़ाया शमशान में, तो भाई जो प्रेत वहां घूम रहा होगा, प्रेत योनि में कोई लेडीज होगी जो मुर्गा खाते हुए जीता थी, वो उस मुर्गे के चक्कर में वो काम करके आती है और कहती है भाई मां काली काम कराई। भाई मां काली को तो आप जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। जो संसार का आप चक्कर है ना, जो आप रिसाइकल कहते हो कि भाई आदमी आया है तो उसको जाना पड़ेगा, शेर है बकरा है सारी चीजें खा के एक दूसरे को करते हैं, तो भाई ये प्रणाली है। इन सब में जानवरों में और इंसानों में यही फर्क था, जानवर पूजा नहीं कर सकते, इंसान पूजा कर सकता है। अगर वो इंसान रूप से ही जानवर योनि में गया होगा वो, क्योंकि उसने इंसानी रूप में पाप किए थे जब भी वो जानवर योनि में गया है। आज कहते भाई हमारी औलाद काम की नहीं है, अरे औलाद काम की कहां होगी, जब औलाद पैदा करने की बारी आती जब तो आप दारू पी के ये नहीं देखते भाई जी हमारी लेडीज है क्या क्या नहीं, बस उस पे मैं कुछ कह दूंगा सेक्स करने लग जाते हो, सारी चीज करने लग जाते हो, उसको ये नहीं देखते हो पेट है डेट है क्या क्या नहीं, खून बहते हुए खून में जब आप 2 दिन बाद संभोग करोगे सारी चीज करोगे तो राक्षस ही पैदा होगा ना, उतने खून ही करेगा मर्डर ही करेगा। पर यही तो कलयुग है, दारू पी के पैदा करोगे तो वो दारू ही पिएगा शराब ही पिएगा, गाली बकते हुए अपनी वाइफ को संभोग करते कुछ लोग तो भाई वो संभोग करते समय उठते ही पैदा होते वो गाली ही बकेगा भाई। जैसी सोच जैसी नियत वैसा आप बरत लेते हो। कहते हो कई बच्चे तो दारू वालों के साथ बैठ के भी नहीं बिगड़ते, अरे कुछ लोग पैदा होते अपने बाप के साथ पैक मारने लग जाते हैं, तो समाज है ना भाई, जैसी सोच वैसी बरत लेगा। एक माँ ने पूरी जब बच्चा पेट में था, एक माँ ने तो पूरे भगवत पढ़ पढ़ के अपना पाठ किया पूजा पाठ किया, और एक माँ ने गाली सुन सुन के उस बच्चे को पेट में रखा। पर कहते हैं कि भागवत वाला तो तहर गया आगे निकल गया, और वो जो गाली बकने वाला था सारी चीजों का वो था, वो पैदा होते ही अपनी माँ को अपने बाप को गाली बकने लग गया, क्यों सीखा उसने वो था पेट में। तो ये सोच है समाज है भाई जी, जैसा आप देखोगे जैसे माहौल में रहोगे जैसा आप चलोगे वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, नहीं आई तो कमेंट में बता देना, और एक एक चीज समझ आ गई तो वो भी कमेंट में बता देना, कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट में बताना, ताकि मैं आपके लिए एक ऐसी ऐसी वीडियो और लेके आऊं और आपकी आंखें खोल दूं। मैं किसी को एटीट्यूड में नहीं बोल रहा, किसी को घमंड में नहीं बोल रहा कि भाई ये करो, मैं खाली आपको सुधरने का कह रहा हूं कि सुधर जाओ, वरना ये नाथ समाज जब जागेगा ना और जब ये इकट्ठा होगा तब आएगी तबाही, जब ये सारों को एक साथ लेके चलेंगे भाई कि कौन सा भगत है कौन कहता भाई जी आज मां काली ये देती है। पहले भी नाथों ने बागदौड़ संभाली थी और अब भी लगता नाथों को ही बागदौड़ संभालनी पड़ेगी। तो आ जाओ भाई, अच्छी लगी वीडियो हो तो कमेंट करके बताना जरूर। मिलते एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी।